बहुत साल पहले सूरज की किरण की एक बूंद स्वर्ग से सीधे धरती पर गिरती है, जिसके बाद उस जगह पर एक सुनहरा फूल निकलता है। और इस फूल की खासियत ये होती है कि ये किसी भी मरीज को ठीक कर सकती थी, और इसके साथ ही ये फूल बूढ़े को जवान भी कर सकती थी। और कुछ समय के बाद इस नदी के किनारे एक शहर बसता है, जहाँ का राजा और रानी सभी खुशहाल थे। और इसके साथ ही रानी को बेबी भी होने वाला था, लेकिन एक दिन रानी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। और तभी राजा सोचता है कि काश कोई ऐसा दवा हो जिससे रानी ठीक हो जाए, और वो दवा वही सुनहरा फूल था। लेकिन इस फूल को ये बूढ़ी औरत सारी दुनिया से छुपाई रखती थी, और इस फूल के बारे में वो किसी को कुछ नहीं बताती थी। और हजारों सालों से ये बूढ़ी औरत इसी फूल के पास आकर एक जादुई मंत्र पढ़ती है और जवान हो जाती है। आगे जानने के लिए कमेंट में पार्ट 2 जरूर से लिखें।